हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट को लेके कॉन्सेप्ट्स की। और उसी सीक्वेंस में आज हम देखते हैं यहां पे डेट को लेके कुछ जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट की। यदि आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है जहां पर डेट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, या आपको डे से रिलेटेड डेट से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनानी है, तो किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में डेट को फेच करेंगे या डे को फेच करेंगे। ओके, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन के बारे में सोचते हैं कि मुझे एक वीकेंड प्लान बनाना है। ठीक है, कि मंडे को मुझे क्या करना है, ट्यूजडे को मुझे क्या करना है, वेनेसडे को मुझे क्या करना है। ठीक है, तो लेट्स सी प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम यहां पे। तो यहां पर हम एक पेज ओपन करते हैं, दिस इज टेस्ट डेट डॉट html। ठीक है, एंड सम बेसिक टैग्स लाइक html/html, एंड देन विल गो फॉर हेड टैग स्लैश हेड। ओके, और टाइटल में हमने दे दिया यहां पे टाइटल जावास्क्रिप्ट डेट डेमो। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट बॉडी टैग, एंड दिस वन इज स्लैश बॉडी। ओके, तो अब यहां पर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड अगर लिखना है इनसाइड द हेड टैग, राइट, तो हमने टाइटल को क्लोज कर लिया, एंड सिंपली हियर वी आर गोइंग टू राइट स्क्रिप्ट, ओके, language equal to JavaScript, script language equal to JavaScript। ठीक है, तो अब यहां पर मुझे जो कोड लिखना है वो JavaScript में रहेगा। तो यहां पर अभी मुझे बॉडी टैग में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी टैग, क्योंकि रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि लिखना तो हमें पड़ेगा, लेकिन हम कोड प्योरली JavaScript में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें करेंट डेट या डे जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से मिल सकती है। जैसे हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में देयर इज नो डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, लेकिन हम वेरिएबल को डिक्लेयर तो करते हैं। तो सपोज यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया डी। ठीक है, अब इस डी में मुझे डेट चाहिए, आई वॉन्ट अ डेट, राइट, तो देयर इज अ क्लास इन जावास्क्रिप्ट कॉल्ड डेट क्लास। तो यदि मैं लिखता हूं वेरिएबल डी इक्वल टू न्यू डेट, सो आई विल गेट डेट ऑफ द इंस, आई एम गेटिंग द करेंट डेट। और यदि मुझे यह पता करना है कि बॉस आज का डे कौन सा है, विच इज द डे ऑफ टूडे, तो यहां पर सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया, अगेन वेरिएबल माय डे इक्वल टू, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया डी डॉट गेट डे, डी डॉट गेट डे, सो दैट आई विल गेट द डे ऑफ टुडेज डेट, राइट। तो लेट्स सी एक बार इसको हम देखते हैं कि हमें आज का डे प्रॉपरली मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं इसको अलर्ट के साथ प्रिंट करके देखता हूं। सो लेट्स रन दिस कोड, एंड आई एम ओपन दिस कोड इन ब्राउजर, सो आई विल गेट 3। लेकिन अब यहां पर आप समझिए 3 मींस व्हाट, तो यहां पर आपको जो डे मिलेगा वो डे मिलेगा नंबर्स में। अगर आप माय डे गेट डे फंक्शन को यूज करते हैं तो यहां पर 0 मतलब संडे है, 1 मतलब मंडे है, 2 मतलब ट्यूजडे है, 3 मतलब वेनेसडे है, तो आज वेनेसडे है इसलिए मुझे 3 मिल रहा है। लेकिन यहां पर अब मैं ये चाहता हूं कि सर मुझे हर डे के अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्लान करना है। मान लो मेरा कोई ऑफिशियल शेड्यूल है कि मुझे मंडे को ये प्लान करना है, ट्यूजडे को ये प्लान करना है, ठीक है, वेनेसडे मेरा ये प्लान है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यहां पर आप देखो, यदि मान लो आप डी को प्रिंट करोगे, सो विल गेट डेट ऑफ द टुडे, राइट। तो हम क्या करते हैं यहां पे, इस माय डे को जो हमें मिला है इसको अगर मैं स्विच केस में डाल देता हूं, सपोज मैंने लिख दिया स्विच केस माय डे, ओके, और अब यहां पर हमने अलग अलग केस लिखे। सपोज हमने बोला केस 1, तो आई नो केस 1 इज व्हाट, इट इज अ मंडे। तो लेट्स सी इसको प्रिंट करके हम देखते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सपोज मैंने यहां पर अभी फिलहाल में केवल डे को प्रिंट कर रहा हूं, उसके बाद हम प्लान की बात करते हैं। तो केस 1 इट इज मंडे, केस 2 इट इज ट्यूजडे, ठीक है, एंड सिमिलरली हमें जो केस लिखना पड़ेंगे, केस 3 4 इट्स ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एंड रिमेंबर 0 इज संडे, ठीक है, संडे जो होगा वो आपका 0 होगा। तो यहां पर हमने केस 0 ले लिया फॉर संडे, ओके। तो ये हमने पूरा, मतलब सिंपली हमने क्या किया विद द डेट क्लास, जिसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बेसिकली, तो यहां पर हमें डेट मिल गई डी में, और इस डी से हमने फंक्शन कॉल किया गेट डे। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन लाइक गेट डे फंक्शन है,
ठीक है, आपको गेट आर कैलकुलेट करना है तो गेट आर फंक्शन है, बट राइट नाउ आई वॉन्ट द करेंट डेट, मुझे अगर करेंट आर चाहिए तो मुझे करेंट आर भी मिल जाएगा। अगर आप टाइमिंग को लेके कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और आपको आज के डेट का करेंट टाइम चाहिए, यू कैन गो विद दैट। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं माय डे की, तो अब यहां पर और डिफॉल्ट में हमने क्या किया, डिफॉल्ट में हमने लिख दिया, ठीक है, सिंपल दिस इज ऊप्स इनवैलिड वैल्यू, ठीक है, ये मैंने डिफॉल्ट में लिख दिया कि ऊप्स इनवैलिड वैल्यू। तो लेट्स सी, एक बार हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी आज का डे कौन सा है हम पता करते हैं। तो मैंने इसको ब्राउजर ओपन किया एंड सी दिस वन, ओके जस्ट मोमेंट। अब ये सारी वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा है, बिकॉज वी डू नॉट यूज ब्रेक स्टेटमेंट, तो मुझे यहां पर ब्रेक लिखना पड़ेगा फॉर एवरी स्टेटमेंट, आफ्टर एवरी स्टेटमेंट वी हैव टू राइट ब्रेक, ठीक है। तो ये हमने लिखा ब्रेक, देन अगेन ब्रेक, देन अगेन ब्रेक, देन अगेन ब्रेक, एंड एवरी स्टेटमेंट यू नीड टू टर्मिनेट विद सेमीकोलन विद ब्रेक, बट देयर इज नो नीड टू राइट ब्रेक इन द लास्ट डिफॉल्ट। So now if I'm going to run this, see this one, today is Wednesday, तो आज Wednesday है, तो यहाँ पर मुझे Wednesday मिल जाएगा, right? और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, इस हर, और ये क्या करता है, actually आपकी जो system date है, उस system date के according value fetch कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हमने, okay, suppose ये हमने Sunday लिख दिया, ठीक है? तो अब यदि आपको date के हिसाब से अलग-अलग plan करना है, suppose आपने बोल दिया Monday, इट्स फर्स्ट वर्किंग डे, ठीक है, जो भी वैल्यू आपको देना है, फर्स्ट वर्किंग डे, ओके, ट्यूजडे मीटिंग विथ एचआर, ओके, देन वेनेसडे को आपने बोल दिया, एंड सपोज मीटिंग विथ सीएससी टीम, ओके, और ट्यूजडे थर्सडे हमने बोल दिया सपोज प्लान टू गो for anything, plan to go for meeting, है ना, बस अभी meeting ही ले लेते हैं हम, meeting with other company, okay, and then Friday तो आपने लिख दिया only 2 days to go, ठीक है, ये आपने बोल दिया last फ्राइडे, ओके, इसके आगे हमने लिख दिया लास्ट वर्किंग डे ऑफ वीक, ठीक है, और सुपर सैटरडे हमने लिख दिया, इट्स अ सुपर सैटरडे, और संडे को हमने लिख दिया सपोज यहां पे वाओ इट्स अ कूल संडे, दैट्स इट। तो ये मैंने अलग अलग कुछ वैल्यूज हमने यहां पर दिए कि हमें जिस डेट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर क्या होगा, व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम यू विल गेट दैट कि आज के डे क्या है, तो वेनेसडे मीटिंग विद सीएससी टीम, ओके, सो दिस वे यू कैन क्रिएट सम डेट रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो आपको जब भी जावास्क्रिप्ट में डेट को लेके कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कि आपको करेंट डेट पे पर्टिकुलर कोई टास्क परफॉर्म करना है, या यू वॉन्ट टू मेक अ कैलेंडर समथिंग लाइक दैट, राइट, कि आपको कैलेंडर प्लान करना है, या आपको कोई डे वाइज कोई शेड्यूल प्लान करना है, सो दैट वी कैन क्रिएट सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन इन जावास्क्रिप्ट विद दिस स्मॉल डेमो। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डेट और डे को फैच कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, एंड वी कैन राइट सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन। सो आई होप छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में डेट को यूज करते हैं और डे फंक्शन को यूज करते हैं। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि छोटे कॉन्सेप्ट से ही हम बड़ी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, ओके? तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।